पेंटा मस्कासाद पुल के पास एक कबाड़ व्यवसायी के नौकर ने लूट का नाटक रचा और नगद 12,50,000 रुपए हड़प लिए, लेकिन उसका यह नाटक ज्यादा देर तक नहीं चला। पुलिस ने जब फुटेज को आधार बनाकर पूछताछ की तो उसने मां के इलाज के लिए घटना को अंजाम देने की मनगढ़ंत कहानी गढ़ी। क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 ने पूछताछ के दौरान नौकर विपुल पराते मेहंदीबाग रोड हनुमान मंदिर पाचपावली निवासी को शांतिनगर पुलिस के हवाले कर दिया। उल्लेखनीय है कि किसी को शक न हो इसलिए विपुल ने खुद को ब्लेड से 2 बार जख्मी तक कर दिया। विपुल पराते भारत माता चौक इतवारी में कबाड़ कारोबारी संकेत मुरकुटी नंदनवन निवासी के कार्यालय में 8 माह से नौकरी कर रहा है। संकेत सरकारी कार्यालयों का कबाड़ खरीदने का ठेका लेता है। गुरुवार की शाम को विपुल को संकेत ने नगद 12,50,000 रुपए देकर घर पहुंचाने को कहा। विपुल दोपहिया पर रकम लेकर निकला। पश्चात संकेत को विपुल ने पेवठा मस्कासाद पुल से फोन किया कि उसे 6-7 लुटेरों ने ब्लेड से जख्मी कर लूट लिया है। संकेत और कार्यालय के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। सूचना मिलने पर शांतिनगर और क्राइम ब्रांच पुलिस की यूनिट 3 की टीम भी पहुंच गई। घायल विपुल को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जल्द ही क्राइम ब्रांच ने आरोपियों की खोज शुरू की तो परिसर के फुटेज जांच में विपुल का सच बाहर आ गया। लूटपाट की कोई घटना नहीं हुई थी, उसने खुद को ब्लेड मारकर जख्मी किया था। पुलिस ने यह सच संकेत मुरकुटे को दिखाया। पश्चात पुलिस ने विपुल को इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि सच का पता चल गया है। काल आम्ही 8 ते 9:30 दरम्यान संध्याकाळी एक कंट्रोलवरून फोन आला होता की संकेत विजयराव मुरकुटे यांचे पैसे विपुल राजेश पराते हा त्याच्या मामाच्या घरी पोहोचवायला जात असताना 5 लोकांनी त्यांना अडवून ब्लेडने मारून लूटपाट केल्याची घटना कंट्रोलला माहिती दिली। त्याच्यावरून आम्ही व क्राईम ब्रँच स्पॉटवर पोहोचलो। संकेत विजयराव मुरकुटे याची खात्री केली, तो भंगार व्यवसायी आहे। त्याच्याकडे जमा असलेले पैसे त्यांनी त्याच्याकडे काम करणारा विपुल राजेश पराते त्याच्यामार्फतीने त्याच्या मामाच्या घरी पोचवायचे होते पैसे। त्या दरम्यान विपुल राजेश पराते हा मामा सुरेश वारतकर लालगंज मस्कासाद पुलिया जवळ तेलीपुरा पेवठा नागपूर इथं जात असताना त्या विपुल राजेश परातेच्या मनात वाईट भावना आली की हे पैसे तिथं पोचवण्यापेक्षा आपण काहीतरी बनावट करावं। त्या उद्देशाने त्यांनी त्याच्या घरी पोचवून दिला, मेहंदीबागला पोहोचवून दिला, बॅग ठेवला 12,94,000 आणि त्याचा मोबाईल पण तिथं ठेवला। येऊन मस्कासाद पुलियाजवळ लूटपाट झाल्याची घटना तो कॅमेरेमध्ये स्वतःच ब्लेड मारतो आहे। ब्लेड मारून कंट्रोलला माहिती दिली, मालकाला माहिती दिली। त्या परिस्थितीनुसार आम्ही ताब्यात घेऊन पूर्ण CCTV कॅमेरा व्हेरीफाय केला आम्ही आणि क्राईम ब्रँच युनिटचे 3A अधिकारी। ते खात्री केल्यानंतर वाटलं की हे असा लूटपाट झाली नाही, तर विश्वासात घेऊन विचारल्यानंतर तो सांगितलं की घरी पैसे आहे, घरी पैसे रिकवरी केले आम्ही आणि फिर्यादी मालक जो पैशाचा मालक होता संकेत मुरकुटे यांनी त्याच्यासोबत असलेला नौकर हा विश्वासघात केल्याचा रिपोर्ट दिल्यावरून आम्ही गुन्हा दाखल केला, पैसे जप्त केलं, आरोपीला अटक केलं। माननीय DCP आवाड साहेब, ACP थोरबोले साहेब यांच्या मार्गदर्शनात हा तपास सुरू आहे। तपास API बकाल हे करत आहे। त्याला सखोल विचारपूस केलं असतं, त्याचं आईच्या ट्रीटमेंटसाठी पैसे लागत होते, त्याच्यामुळे त्याच्या डोक्यात आलं की झटपटमध्ये पैसे भेटून जाईल आणि आईचं ट्रीटमेंट होईल, त्या उद्देशाने त्यांनी नौकरच मालकाचा विश्वासघात केलेला आहे। उपचार के बाद पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की तो उसने बताया कि मां के इलाज के लिए पैसे की लूट का नाटक किया। आरोपी विपुल कुछ दिनों से प्लानिंग में था। गुरुवार को मौका मिलते ही उसने घटना को अंजाम दिया। आरोपी से 12,50,000 नकद सहित 12,94,000 रुपए का माल जब्त कर लिया है। इस घटना में और कौन शामिल है इस दिशा में भी पुलिस जाँच कर रही है। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, VKB न्यूज नागपुर। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।